दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन परिचय अवध ओझा जी सर के बारे में। दोस्तों आपको बताऊं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको बता दूं, आपको निश्चित ही अवध ओझा सर का नाम सुना होगा, जिन्होंने यूट्यूब पर अपने पढ़ाने के अनोखे और अद्वितीय तरीके के लिए जाना जाता है। उनसे पढ़ने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट की लंबी लाइन लगी हुई होती है और आज पूरा भारत उन्हें एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में देखता है। गुरु के बारे में जानने की इच्छा आप सभी को कभी न कभी जरूर होती है। तो बात करूं दोस्तों अवध ओझा सर के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बताऊं इनका नाम अवध ओझा है। इनका जन्म आपको बताऊं 3 जुलाई 1984 को गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। 38 साल इनकी उम्र हो चुकी है और इनके पिताजी का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है और इनके पत्नी का नाम मजारी ओझा है। पेशे से यूपीएससी टीचर है, यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर है, कैरियर कंसल्टेंट है। इनके बच्चे भी हैं, 3 हैं इनकी, पीहू, बुलबुल और गुनगुन। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने की है, स्कूल की पढ़ाई इन्होंने फातिमा कॉलेज उत्तर प्रदेश से कंप्लीट की है। हिंदू धर्म से ये बिलोंग करते हैं, भारतीय नागरिकता इनके पास है। इनके दोस्तों टोटल नेटवर्थ 50 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है, हालांकि अभी तक इन्होंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। अवध ओझा सर के दोस्तों कैरियर की बात करूं तो आपको बताऊं, यूपीएससी के टीचर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने की थी। शुरू के सालों में इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, जहां पे विद्यार्थियों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। साल 2020 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा और शिक्षण संस्थाएं अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए, तब अवध ओझा सर ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। आज उनके चैनल पर लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें वर्तमान में अवध ओझा सर ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं, जिसका नाम IQRAIS है। उन्होंने इसकी स्थापना 2020 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। अवध ओझा सर के दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो आपको बताऊं, अवध ओझा सर अपना गुरु आशुतोष महाराज को बताते हैं। साल 2019 में उनके एक छात्र प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया रैंक में 25वां स्थान हासिल किया था। सर ने अपना यूट्यूब चैनल 2020 में लॉकडाउन के समय लॉन्च किया था। यूट्यूब चैनल पे अभी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अवध ओझा सर को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने अपने कोचिंग संस्थान की स्थापना भी की थी और इनके कोचिंग संस्थान का नाम IQRAIS है। तो दोस्तों ये थी अवध ओझा सर के बारे में इनकी बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।